तो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉलीवुड कैफे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जिसे सिर्फ सपनों में इमेजिन करा जा सकता है, या कुछ लोग उन ऐसी मूवीज को सपनों में भी इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी स्टोरीज को। और इस मूवी का नाम है टाइम ट्रैप। ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 में। इस मूवी की IMDb है 6.3, मतलब बहुत गजब मूवी है। मैंने इस मूवी को सिर्फ ऐसे ही डाउनलोड कर लिया था। मेरी रिकमेंडेशन में आ रही थी ये मूवी, मैंने इसे ऐसे ही डाउनलोड कर लिया। मैंने सोचा चलो देख ले क्या है इसमें ऐसा टाइम ट्रैप का। और मैं बता रहा हूँ, इस मूवी ने मुझे सरप्राइज कर दिया। मतलब इतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतनी अच्छी मूवी होगी ये द टाइम ट्रैप। मतलब मज़ा आ गया इसमें। ना तो कोई बहुत बड़ा एक्टर है, ना कोई बड़ी एक्ट्रेस, और ना कोई बड़ा डायरेक्टर जिसने इस मूवी को डायरेक्ट करा है। ये सिर्फ छोटे छोटे किरदारों ने करी है। इसमें इसकी स्टोरी है कि एक प्रोफेसर होता है, वो कुछ गुफा पुरानी गुफाओं को ढूंढ रहा होता है जिसके बारे में उसने पढ़ा था, और वो उन गुफाओं में चला जाता है। और उसके कुछ स्टूडेंट होते हैं उसे ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि वो गायब हो गया था। वे भी उसमें जाकर वहाँ पर खो जाते हैं। और उन गुफाओं के अंदर जो ये बात थी ना, उसके अंदर ये था कि अगर आप उनमें फंस जाओगे, जैसे कि अगर आप उस गुफा के अंदर 1 घंटे रहेंगे, जो बाहर है ना 1000 साल बीत जाएंगे। मतलब उसका टाइम बहुत मंदा चलता है उस गुफा के अंदर, और बाहर का समय बहुत तेजी से चलता है। 1 घंटा करीब 1000 साल के करीब होता है। और इसके अंदर एक होता है यूथ फाउंटेन। इसके अंदर आदिवासी भी रहते हैं। सबसे अलग बात यह, आदिवासी इसमें रहते हैं, आदिवासी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है एक यूथ फाउंटेन। मतलब अगर आप मर भी गए ना, और आपको उठाकर उस यूथ फाउंटेन में डाल दे, तो आप जिंदा हो जाएंगे। है नहीं कुछ कमाल की चीज़। और इसके अंदर एक गुफा और है, गुफा के अंदर एक गुफा और, जिसमें और मंदा टाइम चलता है बहुत ज़्यादा। और उस गुफा को बाहर से देखोगे तो उसमें एक वॉर सा छिड़ा हुआ होता है पुराने ज़माने के लोगों का, और ऐसा लगता है बिल्कुल वे रुके हुए हों, एक फोटो की तरह रुके हुए लगते हैं, पर वे लड़ रहे होते हैं। पर उस गुफा का टाइम और ज़्यादा मंदा होता है, इसलिए वो ऐसा लगता है। और इसमें तो धरती भी आखिरी में ख़त्म हो जाती है। इस मूवी में दिखाते हैं कि धरती पर अब लोग नहीं रह सकते, वे स्पेस में रहते हैं। मतलब मज़ेदार है यार इस मूवी की स्टोरी, देखनी चाहिए आपको भी ऐसी मूवीज को। ये मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन है मेरी फेवरेट मूवियों में से तो एक नहीं बनेगी ये टाइम ट्रेवल की, पर एक अच्छे अच्छी मूवी कैटेगरी में आ गई है मेरी एक। बस मुझे इस मूवी से एक दिक्कत है कि इसकी मूवी की लेंथ कम है। हमें और अच्छी तरह से स्टोरी को एक्सप्लोर करके दिखाना चाहिए था इन्होंने। इन्होंने एकदम से जल्दी 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 सब कुछ जल्दी जल्दी दिखाते रहे दिखाते रहे दिखाते रहे। बस इस मूवी की यही दिक्कत है, वरना और सब कुछ तो अच्छा है। इसमें करेक्टर डेवलपमेंट भी थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था और भी अच्छा, पर कोई नहीं। ज़्यादा बड़ी बजट की मूवी नहीं थी ये, सिर्फ कुछ $10 मिलियन था इसका बजट। सर 10 मिलियन डॉलर था या 10 मिलियन डॉलर था, 10 मिलियन डॉलर। और इस मूवी ने कमाई भी $10 मिलियन थे, ना प्रॉफिट ना लॉस। सही है। और इसकी और भी कुछ अच्छी बातें हैं। जो प्रोफेसर था ना, स्पॉइलर है ये, जो प्रोफेसर था ना, वो अपने माँ बाप को ढूंढने आया था। और जब उसके उसकी एक बहन भी थी छोटी सी, जो उस गुफा में रह गई थी, और वो अब भी छोटी सी थी, और वो इतना बड़ा हो गया था, वो अपने पापा से भी बड़ा हो गया था उम्र में, वो प्रोफेसर। एंड में दिखाते हैं वहाँ से वो जब बच कर निकल जाते हैं ना सब वे, तो तब दिखाते हैं। और बाहर की दुनिया ख़त्म हो रखी होती है। इस मूवी के VFX भी अच्छे हैं। जैसे इसमें एक सीन आता है ना, वो एक स्पेसशिप का पानी की टंकी, और जब वो बाहर निकलते हैं तो दुनिया ख़त्म हो रखी है तूफान का। मतलब VFX तो बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा था, अब निराश नहीं होंगे। बस इसकी थोड़ी मुझे लगा था थोड़ी स्टोरी और ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए थी, वरना और सब तो बढ़िया था इस मूवी में। और ये आपको मूवी देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। इसका रन टाइम थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, बस यही दिक्कत है इस मूवी की, और कुछ दिक्कत नहीं है।
और IMDb 6.3 है, तो मतलब एक एवरेज IMDb कह सकते हैं आप इसकी, पर इसकी थोड़ी मैं कह सकता हूँ 6.3 इसकी ठीक है। अगर ये स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लोर करती तो ये 7 तक चली जाती। और इसका पर ज़्यादातर लोगों ने इस मूवी को देखा भी नहीं होगा, और ये आपको हिंदी डब में मिल जाएगी, ये अच्छी बात है ना, ये हिंदी डब में मिल जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, तो नहीं हिंदी डब की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको मूवी हिंदी डब में भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मूवी को ज़रूर देखें, द टाइम ट्रैप। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो पर कमेंट करें। आप सबका धन्यवाद।